छात्र संघ चुनाव जैसे ही आता है, सभी छात्र युवाओं को छात्र संघ चुनाव लड़ने की होड़ शुरू हो जाती है। वैसे में पटना विश्वविद्यालय 5 दिसंबर को चुनाव करा रही है, उसमें से विभिन्न संगठनों ने अपना अपना परचम भरा है, जिसके लिए सबसे पहले छात्र जेडीयू की ओर से अध्यक्ष पद पर मोहित प्रकाश, उपाध्यक्ष आशीष पुष्कर, महासचिव आदित्य शाह, संयुक्त सचिव ज्योति कुमारी और कोषाध्यक्ष के रूप में कुमार सत्यम ने परचम भरा है और इसके लिए सोमवार को नामांकन दाखिला हुआ है। जेडीयू बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है, जहां शोर शोर से लोग लगे हुए हैं कि अपने अस्तित्व को बताएं। पटना विश्वविद्यालय के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अहम भूमिका निभाए। दूसरी ओर एबीवीपी यानी अखिल विद्यार्थी परिषद, जी हां, आपको हम बता दें कि आशीष सिन्हा के नेतृत्व में, आशीष सिन्हा 2012 के चुनाव में अध्यक्ष पोस्ट पर पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव रह चुके हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व में एबीवीपी ओर से अध्यक्ष पोस्ट पे अभिनव शर्मा, उपाध्यक्ष पे अंजना सिंह, महासचिव पे मणिकांत मणि, संयुक्त सचिव पे राजा रवि और कोषाध्यक्ष पे सत्यम प्रकाश ने अपना नामांकन पर्चा सोमवार को दाखिल किया है। पीसी इलेक्शन में लगातार एबीवीपी भी दूसरे पैदाने पे चल रहा है। उस तीसरे पैदाने पे एएसएफ यानी वामपंथ, छात्र राजद और आयशा ने मिलकर अपना भाग अजमाने का चाह रहा है। इस पर अध्यक्ष पोस्ट पे इन तीनों पार्टियों ने खड़ा किया है भाग्य भारती को, उपाध्यक्ष पे गगन कुमार को, महासचिव पे प्रियंका प्रियदर्शी को और कोषाध्यक्ष पे विक्रांत को। जी हाँ, वैसे में आपको हम बता दें कि जन अधिकार पार्टी भी आगे आकर बढ़ी है, जिसमें अध्यक्ष पोस्ट पे सुजीत कुमार को, उपाध्यक्ष पे मानसी सिन्हा को, महासचिव पर रोशन कुमार को, संयुक्त सचिव पे शौकत अली को और कोषाध्यक्ष को मनदीप कुमार को उतारने का काम किया है। वैसे में छात्र हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जो कि कहा जाता है जीतन राम मांझी यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रह चुके हैं, और छात्र एनयूसीआई यानी कांग्रेस ने मिलकर अपना उम्मीदवार उतारा है। अध्यक्ष पोस्ट पे सैयद अली राजा हाशमी को उतारा है, वहीं उपाध्यक्ष पे आदित्य कुमार दत्ता को, संयुक्त सचिव पर मनीष पासवान को, कोषाध्यक्ष पे अंकित कुमार को। इन लोगों ने मुख्य रूप से किया है यानी इन सभी ने, विभिन्न पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। देखना होगा आखिरकार 5 दिसंबर को क्या